सिंपल सिलेट वाले कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसका आला कटिंग करना है जहाँ पे कॉलर लगता है। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और गहराई 3 इंच रख के इसको राउंड शेप में कटिंग किया है। इसके बाद ये मैंने इसका कट लगाया 5.5 इंच पे और 6 इंच पे एक निशान लगाया जो कि मीडियम साइज़ के गले का निशान है। और इसके बाद ये मैंने एक पट्टी 7 इंच की ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इससे मैं इसकी सिलेट बनाऊँगा। बनाने का तरीका आप देख लें, वाइट कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और वाइट कलर की ही इस पर मैंने लेस लगाई है। ग्रे कलर की कुर्ती है, बहुत खूबसूरत बनी है, बहुत डिसेंट है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। ये वाइट कलर के जीन्स या टाइट्स पे पहन सकती हैं, शॉर्ट कुर्ती है। और जो जीन्स वगैरह नहीं पहनती वो इस पर ट्राउज़र नीचे पहन सकती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी खूबसूरत बहनों और प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू फैशन आइडियाज़, कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। कॉलर मैंने इसमें 15 इंच का लिया ये, और देखें एक तरफ से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ प्रेस से, और इसके बाद मैं इसको पलट रहा हूँ। किनारे की सिलाई लगा के आपने इस तरह पलटना है और एक पैर के दबाव से जो एक्स्ट्रा जो दबाव है वो कटिंग करने के बाद 2-3 इस पर कट लगाने हैं वहाँ पर जहाँ गोलाई है, और इसके बाद इसको पलट के एक किनारे की सिलाई लगानी है, और इसके बाद एक पैर के दबाव से इसका जो कपड़ा है वो कटिंग कर देना है और एक सेंटर कट लगाना है। और ये बैक का हिस्सा इसके ऊपर मैं रख के इसको शोल्डर की सिलाई लगाऊंगा 1/2 इंच के दबाव से। तो ये शोल्डर की सिलाई मैंने लगा दी। इसके बाद ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा ये कटिंग करने के बाद एक सेंटर कट आपने यहाँ पर भी लगाना ताकि कॉलर लगाते हुए आपको पता चल जाए कि आपका सेंटर कहाँ पर है। इस तरह उल्टी तरफ रख के आपने कॉलर इसका लगाना है। ये कॉटन कपड़े पे बना है, थोड़ा मोटा कपड़ा है, सर्दियों के लिहाज से बहुत बेहतर है। अगर इस तरह आप बनाना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगा सर्दियों में। और आजकल ये कपड़ा चल रहा है थोड़ा मोटा कपड़ा, जीन्स टाइप का जो होता है उस पर ये कुर्ती बनाइए। इसके बाद आपने दूसरी सिलाई से इसको पक्का करना है किनारे की सिलाई से। तो ये कॉलर लग चुका है। अब ये इसका दामन है, दामन की शेप देख लें किस तरह रखी है, राउंड शेप में थोड़ा सा जैसे जेंट्स शर्ट होती है इस तरह, लेकिन इसका दामन थोड़ा बड़ा है और लेंथ इसकी शॉर्ट है। शॉर्ट लेंथ पे बना है, तकरीबन 36 इंच इसकी लेंथ है। ये लेस में इसके उल्टी तरफ कच्चा कर रहा हूँ, और अगर इस तरह की लेस आप लगाते हैं तो दबाव आपने बिल्कुल कम रखना है क्योंकि ये बढ़ती हुई लगेगी दामन की तरफ। तो इस लेस में आप देख रहे हैं दो आउटलाइन है, पहली आउटलाइन जो अंदर वाली है उस पर रख के मैंने कच्चा किया है, इसको थोड़ा सा दबाव लिया बिल्कुल बारीक सा, और दूसरी सिलाई से मैंने इसको पक्का किया है। तो ये देखें दामन पे लग चुकी है, और आस्तीन पर भी मैंने यही लेस लगाई है और इसी तरह से लगाई है। आस्तीन पे लगाने के बाद इसकी मैं आस्तीन अटैच करके और साइड की सिलाई लगा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो आस्तीन ये इस तरह आपने लगानी है, सेंटर कट लगाना है एक, और ये आपका शोल्डर की जो सिलाई है सेंटर कट वहाँ पर आना चाहिए। इससे आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी आस्तीन बिल्कुल सही लग रही है। और आस्तीन लगाने के बाद ये साइड की सिलाई मैंने इसकी लगाई है। साइड चौक इसमें नहीं है, दामन थोड़ा बड़ा है। कटिंग आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये दोनों साइडें लग चुकी हैं और पीस का फाइनल लुक आपके सामने आ चुका है। अभी ये प्रेस नहीं किया मैंने, ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, बस फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया। तो ये बना है इसका। इस पर आप कोई भी टाइट्स वगैरह वाइट लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।